आनंद आश्रम आजाद नगर फतेहवाड़ी सरखेज में श्रीमद भागवत सप्ताह परम पूज्य स्वामी कुमार आनंद योगी आशीर्वाद थी तथा स्वामी राजेश्वर आनंदपुरी मार्गदर्शन नीचे आनंद आश्रम में श्रीमद भागवत सप्ताह रसपन व्यासपीठ पर वक्ता परम पूज्य मंदाकिनी बहन व्यास पोता आगवी शैली में अमृतवाणी रसपन करी रहे हैं। आ श्रीमद भागवत कथा यजमान मदनलाल शर्मा तथा गणपति देवी शर्माए आ लाभ लईने धन्यता अनुभवेल। भागवत सप्ताह सांभवा मोटी संख्या में भाईओ तथा बहनों उपस्थित रही अमृतवाणी लाभ ले। आ श्रीमद भागवत कथा में सतो महंतो उपस्थित रहा था। आ सप्ताह ने सफल बनावा कैलासपुरी तथा स्वामी जनकपुरी मोटी जयमत उठावी छे। कीर्तिभाई दवे, आपणो गुजरात, अमदावाद। आ समुद्र मंथन वखते जरे मृत थया त्यारे एमना गुरु शंकराचार्ये संजीवनी विद्या करीने एमने जीवित कर्या। अने शुक्राचार्य राजी थया छे, दैत्योना गुरु शुक्राचार्य छे। अने प्रहलाद जीना पौत्र बलि महाराज ने हाथे विश्वजीत नामनो यज्ञ करावयो अने पूर्णाहुतिना समये अग्निकुंडमांथी सोनानो रथ बहार आव्यो। बलिराजा ने रथमां बिराजमान करी शुक्राचार्यए एमां ब्रह्मचे पधराव्यो छे अने आशीर्वाद आप्या छे कि तमे ज्यां जशो ने त्यां तमारो विजय थशे। આ રીતે બલિ મહારાજે ફરી એક વાર સ્વર્ગનું રાજ્ય લીધું। આ બાજુ માતા અદિતિને ખૂબ દુઃખ થયું, કશ્યપ ઋષિની પાસે ખૂબ સેવા કરી અને પયોપ વ્રત કરી અને પ્રાર્થના કરી છે કે હે પ્રભુ, આપ મારા ત્યાં પધારો અને ખૂબ તપસ્યાના પ્રભાવથી ભગવાને કહ્યું કે હું તમારા ત્યાં વામન રૂપે પધારીશ અને ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યા અને અદિતિને શુભ દિવસો અને ધીરે ધીરે ભગવાનને પ્રગટ થવાનો સમય નજીક આવવા લાગ્યો છે। દશે દિશા પવિત્ર થઈ છે, મદ સુગંધિત અને શીતળ વાયુ વાવા લાગ્યો છે। ભાદ્ર માસ શુક્લ પક્ષ तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।